जी जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बेगूसराय से, और कन्हैया कुमार उनके साथ है। सुजीत बात कीजिए। कन्हैया ने महिलाओं के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया और उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, बेगूसराय आज तक। दरअसल हमारे सहयोगी सुजीत झा लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनके साथ हैं। इसी कतार में हम आपको कुछ ही देर में फिर से वो बातचीत रोल आउट करके सुनाएंगे। कन्हैया कुमार से उन्होंने बात की है। कन्हैया कुमार सीपीआई के कैंडिडेट हैं। बेगूसराय में देखिए सबसे बड़ी लड़ाई अगर प्रतीकात्मक रूप से आप देखिए तो बिहार की धरती पर गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार, लेकिन बीच में जो शख्स है तनवीर हसन जिसका नाम है, आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, उनका चुनावी मैदान में उतरना किसको फायदा पहुंचा सकता है? संजय जी बहुत महत्वपूर्ण ये लड़ाई है क्योंकि एक तरफ गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ और न सिर्फ धर्म का कार्ड बल्कि जाति का कार्ड भी खेला जा रहा है। भूमिहार कन्हैया कुमार भी, गिरिराज सिंह भी, हिंदुओं का शेर गिरिराज सिंह, ये प्रचार वहां पर किया जा रहा है। कन्हैया कुमार का एक बार नाम तक लेने को तैयार नहीं है, ये लड़ाई किधर जाती हुई दिख रही है? देखिए जिस भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र की आप बात करें, अगर एनटी बीजेपी वोट स्प्लिट होता है उससे बीजेपी को फायदा होता है। आपने बताया आरजेडी के उम्मीदवार हैं वहाँ, लेकिन कन्हैया कुमार भी मैदान में हैं। दोनों तो एनटी बीजेपी वोट आरजेडी और कन्हैया कुमार के बीच में बट रहा है, और अगर ये वोटों का बंटवारा जितना ज्यादा होगा उससे कन्हैया उससे गिरिराज सिंह को फायदा होगा। आइए आपको सुनाते हैं अब हमारे सहयोगी सुजीत झा ने बात की है कन्हैया कुमार से। हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं, बेगूसराय चर्चित लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष। कन्हैया जी वोट डालने जा रहे हैं जी, अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को और प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार बेगूसराय के लोग अपने मान सम्मान के लिए, देश के संविधान के लिए और उनका जो बेसिक मुद्दा है शिक्षा और रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके अधिकार के लिए मतदान करेंगे। बेगूसराय जीतेगा और बेगूसराय को अपमानित करने वाली ताकतें हारेंगी। आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिसने इस बेगूसराय की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे सरकार के उस मुखौटे से है जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों को बदनाम करते हैं। ये जो मुद्दा आपका रहा इस बार का है, पूरे देश में राष्ट्रवाद एक मुद्दा रहा है। आशीर्वाद लेते हुए कन्हैया अपने गाँव में विजय भव का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कन्हैया जी ये पूरा जो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा पूरे देश बिहार बेगूसराय में, इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए सीधे तौर पे बेगूसराय से ये संदेशा पूरे देश को जाएगा कि लोकतंत्र में लोगों का अहम सवाल होना चाहिए। लोगों के सवालों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ ये एक नई साजिश है। इस बार बेगूसराय से ये संदेश साफ तौर पे जाएगा कि देश में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, लोगों के सवाल पे होगा। राष्ट्र भी राष्ट्र के लोगों से बनता है, लोगों के सवालों को गुमराह करके फर्जी नारों से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबके लिए सुरक्षा और आत्मसम्मान, ये सबसे अहम सवाल है। इस बार बेगूसराय में जो है जो मामला उठा धर्म का, जाति का, आपने कब्रिस्तान का, सारे मुद्दे उठाए गए। जाति और धर्म को छोड़कर बेगूसराय के लोग अपने अपने मान सम्मान के लिए वोट करेंगे। बेगूसराय के लोग इस बात के लिए वोट करेंगे कि बेगूसराय की एक मजबूत आवाज़ संसद पहुंचेगी, और जिस तरीके से देश और दुनिया की मीडिया ने बेगूसराय को देखा है, बेगूसराय एक नया इतिहास बनाएगा। के बारे में क्या कहेंगे? देखिए उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुनाव का दिन बिहार के गांव में कन्हैया थे। कन्हैया जो वोट डालने जा रहे हैं अपने गांव बिहट बेगूसराय में, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बेगूसराय से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश को प्रभावित करेगा, और बिहट के इस गांव में जो कि वामपंथ का एक गढ़ रहा है, एक अरसे से ये गढ़ रहा है, यहां चलते हुए कन्हैया ने महिलाओं के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया और उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, बेगूसराय आज तक।